हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट 2। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती इज फाउंडेड बाय, तो कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था दिए हुए विकल्पों में से कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और बहुजन समाज। तो इन चार संस्थाओं में से हमें यह बताना है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्टैब्लिश संस्था कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्य समाज। और आर्य समाज कहाँ, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी दयानंद सरस्वती ने? मुंबई, मुंबई में या बंबई में? मुंबई या बंबई में की थी, और वर्ष 1875। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी बंबई में 1875 में। और इनका क्या उद्देश्य था, आर्य समाज का क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। ये वैदिक धर्म को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। जो समाज नए आधुनिकता में खो गया था, उस समाज में ये वैदिक धर्म को दोबारा से जागृत करना चाहते थे। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में की थी, ये बात हम याद रखेंगे। और एक बात, दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था, जो उनके बचपन का नाम था, वो था मूल शंकर। मूल शंकर नाम था इनका, मूल शंकर नाम इनका भूलेंगे नहीं। कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मूल शंकर किसका नाम था, दयानंद सरस्वती का, या दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज इज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्या वर्ष है? जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये रही स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो, 12 फरवरी इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 12 फरवरी 1824 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया ही था आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1875 में बंबई में की गई थी। बंबई, तो बंबई में की गई थी, ठीक है। और 2 साल बाद 1877 में इसका कार्यालय लाहौर स्थापित कर दिया गया था। कहाँ? लाहौर। ये याद रखना, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 बंबई में की गई थी, और उसके 2 वर्ष बाद 1877 में इसका कार्यालय बंबई से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? हु सेड बैक टू वेदास? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने कहा था क्या, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था क्या, स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था क्या, या रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था? तो हमारा आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि आर्य समाज का क्या उद्देश्य था, आर्य समाज का उद्देश्य था वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। मतलब वैदिक धर्म, वैदिक धर्म में इनका बहुत ज्यादा विश्वास था आर्य समाज वालों का, और दयानंद सरस्वती का वैदिक धर्म में बहुत बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे ये लोग, वेदों को बहुत मानते थे। इसीलिए इन लोगों ने
ये नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, और ये चाहते थे कि प्राचीन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की जाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये बैक टू वेदास का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? तो भारत का मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, जिनकी फोटो हम यहाँ देख सकते हैं। ये ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते थे। 1824 में, 22 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे हम। कई बार एक ऐसा होता है कि कुछ विचारकों के, फिलोसफर्स की डेट ऑफ बर्थ में ईयर, डेट ऑफ ईयर दे देते हैं, मतलब बर्थ ईयर दे देते हैं, और उनको कहते हैं कि इनके क्रम से इनको अरेंज करो। तो उसमें ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है कि तो अगर हमें कुछ की डेट ऑफ बर्थ, दो या तीन या एक, जो भी डेट ऑफ बर्थ याद होती है, तो उसको हम ऑप्शन के हिसाब से मैच करके देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती का डेट ऑफ ईयर है, ये क्या ईयर है, इनके बर्थ ईयर 1824 है। ठीक है, और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किस वजह से इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, उनके धार्मिक सुधार प्रयास, एक लिख देता हूं, धार्मिक धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण इनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, या सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश वास कंपोज्ड बाय, ये बुक है, ये बड़ी फेमस बुक है आर्य समाज की, और आर्य समाज की बुक है, तो इसकी रचना कौन करेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी रचना की जाएगी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती इस बुक की रचना करेंगे, और इस बुक की रचना का स्थान कहाँ होगा? वो होगा उदयपुर। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बुक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जो कि ये आर्य समाज की पुस्तक है, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, और ऐसा ये 1875 की बात है, 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, और 1875 में ही इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और इसका, इस सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण, सत्यार्थ प्रकाश बुक का फर्स्ट एडिशन कहाँ छपा था? फर्स्ट एडिशन ये छपा था अजमेर में, ये याद रखना कि इनका फर्स्ट एडिशन कहाँ छपा था, अजमेर में। ठीक, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, और इस बुक को इन्होंने उदयपुर में लिखा था, और इसका फर्स्ट एडिशन अजमेर में छपा था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, उसका उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश एक पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश इज ए होली बुक ऑफ, किसकी होली बुक है? आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की, या प्रार्थना समाज की? तो जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का पवित्र ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज, सत्यार्थ, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी उदयपुर में, और इसका पहला संस्करण कहाँ छपा था? अजमेर में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन मूवमेंट? प्यूरिफिकेशन मूवमेंट का सपोर्ट किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ये पूछा है कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था। तो हमारे ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन का मतलब जो कि आधुनिक आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में लोगों के कई तरह से धर्म परिवर्तन करा दिए गए थे, धर्म बदलवा दिए गए थे, हिंदू लोगों को दूसरे धर्मों की तरफ धकेल दिया जाता था। तो आर्य समाज क्या करता था, उन लोगों का प्यूरिफिकेशन करा करके उनको दोबारा से हिंदू धर्म में शामिल कराते थे, और ये उनका शुद्धि आंदोलन कहलाता था। दोबारा से लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करना, वेदों का ज्ञान दिलाना, ये आर्य समाज का मुख्य कार्य था। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता था प्यूरिफिकेशन मूवमेंट को? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? एक बार इंग्लिश में देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड स्वराज वर्ड एंड कंसीडर्ड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज? तो हमारे ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना। ठीक है, ये वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा भी दिया था। तो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ठीक है, कि कितना भी अच्छा शासन क्यों ना हो, शासन अपना होना चाहिए। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग सैड गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? सेल्फ गवर्नमेंट ज्यादा बेटर होती थी इनके अकॉर्डिंग। गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन से अच्छा होता है खुद का शासन, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है गुड गवर्नेंस से। ठीक है, तो ऐसा कौन कहता था? ऐसा कहते थे हमारे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का ऐसा कहना था कि गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो इस लाइन को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये लाइन एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आप ये याद रखना कि ये कोट किसका है, ये है, ये बात कही गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ठीक है, याद रखना, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। गुड गवर्नेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? वर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं रामकृष्ण परमहंस जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म, जिनको हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑरेंज कपड़े पहनते थे। कि स्वामी विवेकानंद जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी, 12 जनवरी, उसको हमारे देश में क्या मनाते हैं? नेशनल
यूथ डे, भारतीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। भारतीय युवा दिवस के रूप में हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं। भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897? तो हमारे ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, एम एन दास गुप्ता, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। और मैंने कि लास्ट क्वेश्चन में बताया ही था कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी है, जिसको भारत में भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हेल्ड इन शिकागो। तो शिकागो में किस वर्ष में इन्होंने विश्व धर्म संसद, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व 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 धर्म संसद में शिकागो में किस वर्ष में भाग लिया था, ये पूछा जा रहा है। विश्व धर्म संसद में विवेकानंद जी ने किस वर्ष भाग लिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 1893, शिकागो अमेरिका गए थे ये 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लेने ये शिकागो गए थे अमेरिका 1893 में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? विच ऑफ दीज इमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स रोट बुक्स कॉल्ड ज्ञान योग, कर्म योग एंड राजयोग? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रनाडे मतलब एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण परमहंस। तो किसने इन तीन पुस्तक जिनका नाम ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग दिया दिया हुआ है यहाँ पर, ये तीन पुस्तकें किसकी द्वारा लिखी हुई हैं? तो ये तीनों स्वामी विवेकानंद की बड़ी ही फेमस बुक हैं बहुत ज्यादा, याद रखना इनको। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हैं, और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, और ये हैं रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, ये इनके गुरु जी थे, ठीक है। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो यहाँ देख लीजिए इनकी फोटो, ये हैं रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इन्हीं की मेमोरी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया, इन्हीं से इंस्पायर थे ये, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ठीक। तो ये याद रखेंगे, ज्ञान योग कर्म योग को भूलेंगे नहीं हम लोग। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किसकी पुस्तक है, ये स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार देख लो इंग्लिश में, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये बहुत फेमस बुक है, एग्जाम में आती रहती है। तो ये याद रखेंगे हम, किसकी बुक है ये, स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक बार इंग्लिश में देखते हैं, द ब्रिटिश एम्पायर हैज कंप्लीटली डिकेड बाय ऑल मीन्स, द करप्शन इज टायरानिकल एंड इंफीरियर। तो ऐसा किसने कहा है, ऐसा किस किसने किया कहा है, ऐसा ऑप्शन में दिया गया है, सिस्टर निवेदिता, सावित्री बाई फूले, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसा कहा है ऐसा कहा है सिस्टर निवेदिता ने, सिस्टर निवेदिता। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, ऐसा सिस्टर निवेदिता ने कहा था।
ये स्वामी विवेकानंद जी के शिष्या थी, और इनका नाम सिस्टर निवेदिता का जो रियल नाम था, इनको भगनी निवेदिता भी कहा जाता था, भगनी भगनी निवेदिता, भगनी निवेदिता, या इनका एक पूरा नाम और है मार्गरेट, मार्गरेट एलिजाबेथ, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका एक नाम है। इनका ओरिजिनल नाम यही है सिस्टर निवेदिता का, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है, ये एन है, एन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट टू, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट टू कंप्लीट होता है। अभी इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके क्या आपके रिव्यू हैं, या कहाँ कहाँ किसी पॉइंट पर आपको कोई डाउट है, या कुछ किसी पॉइंट को करेक्ट कराना है, या किसी भी तरह से आपका कोई डिस्प्यूट है या सजेशन है, तो आप हमें जरूर दें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।